यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा जा रही है। इसी बीच इन चुनावों में आकाश आनंद की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको चलिए लोकसभा चुनाव के बीच आकाश आनंद को तमाम पदों से हटा दिया गया था, लेकिन पिछले महीने आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का आधिकारिक रूप से उत्तराधिकारी भी वापिस बना दिया गया था। ऐसे में आपको चलिए तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की सक्रिय बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। इसी बीच ये बड़ी खबर निकल कर आई कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आकाश आनंद सभी सीटों पर प्रचार करेंगे। साथ ही आपको इस बड़ी रैलियों से पहले गांव चलो अभियान के तहत आकाश आनंद चौपाल लगाते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी और अहम खबर आपको मंडलवार बहुजन समाज पार्टी की ओर से अब उम्मीदवारों का नामों का मांगना भी शुरू कर दिया गया। इसी बीच आपको बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी गांव गांव जाकर चौपाल लगाने का बसपा की ओर से निर्देश दिए गए। वहीं आपको गांव गांव चौपाल लगाने का जो कार्यक्रम है इसकी जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को दिए। आकाश आनंद को लगातार आपको चले तो उत्तर प्रदेश में सक्रियता पिछले लोकसभा चुनाव से ही देखा जा रहा है, लेकिन इन 10 सीटों पर काफी ज्यादा वो सक्रियता दिखाई जाएंगे और आकाश आनंद को दी जा सकती है प्रचार की जिम्मेदारी। आकाश आनंद ने मंडलवार बैठकों का भी जायजा ले सकते हैं। यह बड़ी और अहम खबर आपको चले तो मंडलवार बैठक लेंगे आकाश आनंद उपचुनाव से पहले, और बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव को लेकर जिला अध्यक्ष और मंडल कोऑर्डिनेटर से आपको चले तो उम्मीदवारों के नाम मांग लिए और जल्द ही बसपा सुप्रीमो मायावती से नामों पर फैसला करके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको चले तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बहुजन समाज पार्टी को लेकर। मिलते हैं नई वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक लेते हैं विदा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।